पीपल, इट्स मिलीना एंड वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि गणेश चतुर्थी है, तो कल ही गणेश चतुर्थी है एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट माय डेकोरेशन फॉर गणेश चतुर्थी। तो दिस इज माय फर्स्ट गणेश चतुर्थी विथ माय हस्बैंड, बिकॉज हमारी शादी के बाद का ये पहला फेस्टिवल है। सो वी थॉट व्हाई नॉट कि हम लोग भी हमारे घर के अंदर गणपति जी को वेलकम करें, तो इसलिए वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी विथ ऑल ऑफ यू पीपल। तो आई होप आप सबके घर पर भी गणेश जी आ रहे होंगे एंड यू ऑल आर वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज आई एम सुपर हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस, सारी फीलिंग बहुत एक साथ है। तो टुडे वी, सो इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू सी हाउ आर वी गोना डेकोरेट अ वेरी टाइनी स्मॉल सी प्लेस फॉर आर टाइनी विथ कोको, बिकॉज कोको के बिना तो हर एक वीडियो इज इनकम्प्लीट। सो इफ कोको लेट इज डू, तो हम लोग अभी डेकोरेशन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इजी तरीके से एक थोड़ी थोड़ी चीज़ों से एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन अपने गणेश चतुर्थी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो फॉर वेलकमिंग आर गणेश जी टुमारो, हम लोग आज एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन करेंगे एंड येस वी आर गोना शेयर दिस डेकोरेशन विथ यू ऑल। सो कीप वॉचिंग एंड इफ आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार आप लोग, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज यार व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं। ऑफकोर्स नॉट वॉट एवरीबडी गॉट, ऐसे हजारों में व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। बट जितने लोग एटलीस्ट व्यू कर रहे हो उतने लोग सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है बट इट इज़ ग्रोइंग ईजीली, स्लोली, आराम से। बट येस, अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुँच चुकी है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, कोको भी बोल रहा है सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट मी नो कि आप डेकोरेशन कैसा लगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री पीसेस हम लोग पूरा डेकोरेशन प्लान करा है मैंने। बाय द वे, ये जो डेकोरेशन मैं प्लान कर रही हूँ उसमें मैंने अपना दिमाग बहुत कम यूज़ किया है और पिंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। तो मैंने ये सेम जो डेकोरेशन है वो पिंटरेस्ट पे देखा था और मुझे मार्केट में कोइंसिडेंटली वो चीज़ें मिल गई जो मैंने पिंटरेस्ट पे देखी थी। ओनली जो फ्लावर की वे मुझे चाहिए थी वो डिफरेंट मिली है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। सो व्हाट वी आर गोना डू इज, इसको हम हमारा बैकड्रॉप जैसे यूज़ करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी आर बैक एंड उसके ऊपर से हम लोग ये फूल की वेली लगाएंगे एज वेल एज थोड़े से फेक लाइट्स लगाएंगे एंड इन्हीं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम लोग हमारा। सो हियर आई क्रिएटेड अ फ्रेम, तो मैंने चारों साइड से प्रॉपरली एक डबल साइड स्टिकिंग लगा दी है एंड आई जस्ट होप कि ये डबल साइड स्टिकिंग ना अच्छे से हमारे दीवार को स्टिक हो जाए, और अगर नहीं स्टिक हुई तो आई हैव अ सेकेंड ऑप्शन, बट लेट्स सी कि दिस वर्क एंड आई होप दिस शुड वर्क। इसके ऊपर मेरे और मेरे पति की बड़ी ज़्यादा बहस हो गई है, तो आई होप दिस शुड वर्क, सो लेट्स सी। सो लुक, स्टिक हो चुका है अच्छे से, दिस विल बी आवर बैकग्राउंड एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पुट वन हुक ओवर हियर। तो और हुक से हम लोग ये जो रेड एंड वाइट वाली माला है इसको लगाएंगे ताकि थोड़ा पॉप अप ऑफ कलर्स हो। सो हियर वी गॉट क्लिप्स, एक्चुअली मुझे ये वाली क्लिप्स नहीं चाहिए थी, मुझे थोड़ी सिंपल क्लिप्स चाहिए थी, बट ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ टाइम, कॉलेज एट छूटा एंड ऑल दोज स्टूपिड रीजंस, मुझे यही बुक्स मिले हैं एंड जो है उसी से काम चलाओ भाई। तो अब जो है मेरे पास में आई एम गोना यूज देम ओनली एंड आई जस्ट होप कि ये जो माला है ना इनसे छूट जाए। बाय द वे, हमारा जो कोकू राजा है, कोकू राजा डिस्टर्ब कर रहा है। आई थिंक आई असला वाला गेला, हां यस, चलते ती ही माळा दे मजा ती पहिले म्हणजे ही, हां दीदी मजा करते, एक एक देतो तुला। सो कोको इज ट्राइंग टू हेल्प हिज मम्मा बट हिज मम्मा डज नॉट नीड हिज हेल्प। कोको आई डोंट नीड योर हेल्प। कोको
So this is what I tried to do behind camera because Coco was not letting me do. तो मुझे Coco को handle करना था. I think this is not looking awesome. This is looking little bit asymmetrical. जिसको मुझे थोड़ा सा symmetry में करना है. तो मैं इसको करती हूँ and then मैं आप लोगों को एक final look दिखाती हूँ. So ये है हमारा final look. तो ऐसे किया है मैंने अपने गणेश जी के मंदिर को तैयार. तो I hope कि ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है. मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है. तो this is the night effect. मतलब जब लाइटें वाइटें ऑफ हो तो ऐसे लगेगा. And let me show you कि लाइट ऑन करके भी ये कितना प्यारा लगा. See the lights are on and this looks beautiful. बहुत ही प्यारा लग रहा है. And यहाँ पे और थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है जो कल के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा. तो ये है हमारी मेहनत अभी की और इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है बिकॉज यहाँ पे मूर्ति रखने के लिए हमें वहाँ पे पहले आसन रखना पड़ेगा. फिर आसन को भी डेकोरेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नेचुरल फ्लावर्स रहेंगे और दिया रहेगा. तो उससे तो ये इसका ये जो लुक है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा. बट दिस इज़ द मिनिमम विच वी कुड डू एंड आई एम सुपर हैप्पी विथ ऑल द एफर्ट्स आई हैव टेक we have taken actually and especially हमारे Coco ने जितनी हमारी मदद करी है वो तो मतलब क्या ही कहना. So almost अभी रात के 11 बज गए होंगे and I am super happy with what I have created and देखते हैं जब कल के vlog में कि कैसे मूर्ति रखने के बाद में इसका look और enhance होता है. एंड आई वुड से कि प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कल का व्लॉग तो बिल्कुल भी मिस मत करना. बर 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 सो आफ्टर द होल क्योस ऑफ Coco सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई कल का वीडियो बिकॉज कल का वीडियो जो भी मैं कल दूसरे दिन ब्लॉग डालूंगी उसको पक्का पक्का देखना बिकॉज आई एम गोना शेयर होल ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ गणेश चतुर्थी बिकॉज मैंने कभी इतने इससे प्रसाद नहीं बनाया है भोग नहीं लगाया है. तो ये तो सब कुछ ही मुझे करना पड़ेगा. सो आई एम सुपर हैप्पी एक्साइटेड ऑल्सो एंड नर्वस ऑल्सो. सो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि कैसे वो मिनिमम इससे एक मैक्सिमम एफर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द बाय द वे अ चुन्नी ऑफ माइंड और उसके ऊपर मैंने एक नया वाला ब्लाउज पीस डाल दिया है. दैट्स इट एंड बाकी की तैयारियाँ हम कल ज़रूर करेंगे और आप लोग हमें कल के ब्लॉग में मिलिए और हमें और ज़्यादा मोटिवेट करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई जस्ट होप कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो. तो प्लीज़ प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए कमेंट करिए एंड ये सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो थैंक यू सो मच. गुड नाइट.